चलिए मैथ्स जो है ऑब्वियसली सारा का सारा मैथ्स नंबर्स पर ही बेस्ड है। सब कुछ नंबर्स के साथ ही करते हैं हम, है ना। यहाँ पे इसलिए यहाँ गया है प्लेइंग विद नंबर्स। मैथ्स इज जस्ट अ प्ले। सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथ्स, है कि नहीं, पहले ये बताओ। पे इससे ज्यादा आसान कुछ होता ही नहीं है। दो तीन चार चीजें होती हैं, वो दिमाग में रख लो और बस क्वेश्चन करते चले जाओ। दो चार फॉर्मूले याद रख लो, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है और क्वेश्चन करते चले जाना, है ना। सो इट्स इट इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट दैट यू कैन हैव। कुछ याद नहीं करना होता सिवाय दो चार पांच फॉर्मूलाज के। चलो तो अभी मैं आप सब में से पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट मल्टीपल्स ऑफ थ्री, कैसे मिलते हैं थ्री के मल्टीपल्स? थ्री को काउंटिंग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। काउंटिंग नंबर सबको मालूम है, काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, और काउंटिंग तो कहीं तक भी करते जा सकते हैं, है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि 10 तक ही गिन सकते हो, या 100 तक ही गिन सकते हो, या 1000 तक ही गिन सकते हो, ऐसा तो है नहीं। तो अगर मैं आपसे तीन का मल्टीपल पूछूं, वन थिंग जो मुझे थोड़ी सी आवाज आई थी, टेबल ऑफ थ्री, बिल्कुल ठीक है, टेबल ऑफ थ्री तो है, लेकिन टेबल ऑफ थ्री तो 30 पर रुक जाता है। जो हम पढ़ते हैं थ्री का टेबल, 3 10 30, यहाँ आके रुक गया। क्या तीन के मल्टीपल भी 30 पे आके रुक जाते हैं, क्या आगे चलते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, व्हाट यू आर सपोज टू डू, मल्टीप्लाई दैट नंबर विद काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब कैन आई से मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट? एक बात और बता दो, क्या किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से छोटा हो सकता है? सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद का सबसे छोटा मल्टीपल है। जैसे यहाँ देखा, तीन सबसे छोटा मल्टीपल, वी स्टार्टेड विद थ्री, उसके बाद जो मल्टीपल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और मैं इनको कहाँ तक भी ले जा सकती हूँ, टिल इन्फिनिटी। अब अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ अ नंबर? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर? सिक्स, मैम द बोलो बोलो। नंबर इन विच अ गिवन नंबर कम इन द टेबल ऑफ अ नंबर। इन दी टेबल ऑफ अ नंबर, इफ अ नंबर कम्स, अब टेबल में फिर वही बात है, हम तो 10 पे जाके रुक जाते हैं। फैक्टर्स की डेफिनेशन प्रॉपर कौन बताएगा मुझे? अगर मैं कहूं 4 16 का मल्टीपल है, सॉरी 4 16 का फैक्टर है, पहले तो बताओ है या नहीं है। पता चला क्या? कि तुम्हें पता चला कि 4 16 का फैक्टर है? कैसे कहा आप लोगों ने? क्या दिमाग में क्या सोचा, क्या स्टेप्स किए जिससे तुमने बोला कि 4 16 का मल्टीपल है? बिकॉज़ 16 कम्स इन द टेबल ऑफ 4। ओके, सो अगर मैं 40 से ऊपर का कोई नंबर ले जाऊं फिर क्या करोगे? लेट अस से 44। हाँ, इसका मतलब अगर मैंने देखना है कि कोई नंबर किसी दूसरे है या नहीं है तो क्या करोगे? जो नंबर चाहिए, लेट अस से 44 है, मैंने पूछा ये 4 का फैक्टर है कि, अगर मैं कहूं 4 इज फैक्टर ऑफ 16, तो
जब आप 16 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 जा 16 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 इज द फैक्टर ऑफ 16। जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर दे गिवन नंबर को वो उसका फैक्टर होता है। चलिए अब यह काम करते हैं, हम 16 के सारे फैक्टर्स को लिख रहे हैं, बताते जाना मुझे। इस पहला फैक्टर 16 का, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 16, नंबर का फैक्टर, ठीक है जी, तो 1 तो है ही है। उसके बाद अगला क्या 3 16 को डिवाइड करता है? 4 4 के बाद 8। अच्छा 16 का फैक्टर 6, हाँ 16 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 6 16 का फैक्टर नहीं है, 8 इज द फैक्टर ऑफ 16। अगला फैक्टर बोलो, 16। और भी कोई फैक्टर होगा? नो नो। सो द फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट के इनफाइनाइट, काउंटेबल होते हैं। ये नहीं कि जैसे मल्टीपल्स थे इंफिनिटी तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, फैक्टर्स नहीं हो सकते। फैक्टर्स तो बेचारे रुक जाते हैं एक जगह पर आकर के, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। अब अगर फैक्टर्स के लिए इसी चीज को लिखना हो तो कैसे लिखूंगे? एक तो ये बिल्कुल ठीक बात है, 1 इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, आई मस्ट से 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एंड लार्जेस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ, एग्जैक्टली लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है जी, तो हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात देखी, किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना है उसको काउंटिंग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीपल मिलते जाएंगे और जहां तक मर्जी जाते जा सकते हैं। जब फैक्टर्स की बात करनी है तो जिस भी नंबर को बताना है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं तो डिवाइड करके देख लो, अगर डिविजन करने पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचे तो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर्स किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं, ऐसे नहीं जहां तक मर्जी चले जाते जाएं हम। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हमेशा फैक्टर्स में आएंगे ही आएंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कर रहे हो तो उसमें 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो होना ही होना है, उसके अलावा जो होंगे वो आपको देखने पड़ जाएंगे। ठीक है जी, ये तो बात हो गई फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, हाँ जी, 6th ए से सुमित, सुमित फ्रॉम 6th ए, आ जाए बच्चे माइक के पास फटाफट से। हाँ बच्चे प्राइम नंबर बताओ क्या होते हैं? जो अपने टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अगर फैक्टर्स की टर्म में बात करूं तो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फैक्टर्स की टर्म में पूछूं तो एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? टू। वो बता रही है, वो बैठी हुई साथ में है ना। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स कौन से? वन एंड नंबर इटसेल्फ एंड नंबर
itself. चाहिए चलिए बेटा सीट पे चलिए. तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. कौन से वन एंड नंबर इटसेल्फ. इसके अलावा बेचारे का कोई और फैक्टर है ही नहीं. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. कंपोजिट कौन से हो जाएंगे? नंबर्स नंबर हैविंग मोर देन नंबर फैक्टर्स. विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स. मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. अब मैं एक क्वेश्चन है कि हर सेक्शन में से वो बच्चा खड़ा होगा जिसका रोल नंबर, ध्यान से सुन लेना, हर सेक्शन में से वो बच्चा खड़ा होगा जिसका रोल नंबर ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है. एक ही दो में से खड़े हो गए, दो में से खड़े हो गए. मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? वो उस बच्चे ने खड़े होना है जिसका रोल नंबर ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है. 6th, बड़ा सोच सोच के खड़े हो रहे हो, क्या चक्कर है? 6C में से खड़ा दिख गया मुझे, 6A में से भी दिख रहा है, 6F से भी दिख रहा है, 6B से भी दिख गया, जी से भी दिख गया, डी और ई. चलो जी, जो जो बच्चे खड़े अपना रोल नंबर बोल दो, क्या है? वन. बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ सारे के सारे. तो वन एक ऐसा नंबर है विच इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम. इस बेचारे नंबर के साथ धोखा हो गया. हमने क्या कहा था? दो ही फैक्टर, वन एंड इट सेल्फ. वन इसका एक इज अ यूनिक नंबर. यस, वन इज अ यूनिक नंबर, क्योंकि ना तो ये प्राइम में फॉल कर रहा है ना ही कंपोजिट में कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा? हमने कहा प्राइम नंबर हो तो दो फैक्टर होने चाहिए. कौन से? वन एंड इट सेल्फ. अब बेचारा वन भी यही है और इट सेल्फ भी यही है, एक ही रह गया, दो बने ही नहीं, है ना? इसलिए वन एक ऐसा नंबर हो गया जो ना तो प्राइम की कैटेगरी में आ पाया ना ही कंपोजिट नंबर में जा पाया. ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट हमने बात करनी है दो बहुत इंपॉर्टेंट. वन टर्म इज को प्राइम एंड अनदर इज ट्विन प्राइम. हाँ जी, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? मैं एक पेयर लिख रही हूं, बताना क्या ट्विन प्राइम है. 11 एंड 13, इज इट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स? सिक्स है यस मैम व्हिच हैव अ डिफरेंस ऑफ यस, यस टू प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ टू आर कॉल्ड ट्विन टेन प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स. टू प्राइम नंबर्स 11 एंड 13 बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड देयर डिफरेंस इज टू, सो दे आर ट्विन नंबर्स. प्राइम नंबर अब अगर मैं बोलूं 17 एंड 19, इज इट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स? अब हमने बात करनी है को प्राइम नंबर्स की. बच्चों ध्यान से सुनना, को प्राइम नंबर क्या होता है पता है किसी को? कौन बताएगा को प्राइम? वन एज अ कॉमन फैक्टर. एक बात, दो ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कौन सा? वन. दूसरी बात सोच के बताना, क्या किन्हीं दो नंबर्स को प्राइम होने के लिए ये जरूरी है कि वो नंबर प्राइम हो? जैसे ट्विन प्राइम में तो जरूरी है कि नंबर को प्राइम होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए ट्विन प्राइम में, तो क्या क्या होनी चाहिए? नंबर्स शुड बी प्राइम और दूसरा देयर डिफरेंस शुड बी टू. देयर डिफरेंस शुड बी टू. को प्राइम होने के लिए एक बात तो बता दी आप लोगों ने, दी ओनली कॉमन फैक्टर, दी ओनली कॉमन फैक्टर शुड बी वन. क्या दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है? सिक्स थे यस सिक्स से सिक्स थे सी
ओके जी, बाकी क्या कहते हैं? किन्हीं दो नंबर को प्राइम कर रहे हैं तो उनको प्राइम होना जरूरी है। सिक्स ए वालों का आंसर आया यस नो नो, सिक्स ई वाले कहते हैं नहीं जरूरी नहीं है। नो अच्छा, और कौन कहता है? सिक्स सी वाले क्या कहते नो हैं? चलो एक काम करो, जो जो कहते हैं को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर को प्राइम होना जरूरी है वो हाथ खड़ा कर दो। जिस जिस सेक्शन के बच्चे कहते हैं प्राइम होना जरूरी है हाथ खड़ा कर दो, फटाफट फटाफट। सी वाले कह रहे हैं जी होना चाहिए, सी वालों के हाथ खड़े हो गए, डी वालों के हो गए, बी के भी हो गए, ए के भी हो गए, एफ ई और जी वाले कहते हैं नहीं भाई ऐसा जरूरी नहीं है, बिना प्राइम हुए भी को प्राइम हो जाएंगे। और वो ठीक कहते हैं, जिन्होंने हाथ गड़े खड़े किए हैं वो गलत कहते हैं। देखो जी, अगर मेरे पास एक नंबर है 3 और 1 4, क्या दोनों में 1 के अलावा कुछ और कॉमन है? 3 के तो 2 ही तीन एंड 3 प्राइम नंबर, 4 के फैक्टर्स आ गए 1 2 4, दोनों में कॉमन कौन है? एग्जैक्टली, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको जरा ध्यान से नोट कर लेना। फॉर टू नंबर्स टू बी को प्राइम, फॉर टू नंबर्स टू बी को प्राइम, दे नीड नॉट बी प्राइम। कोई भी दो नंबर जो खुद प्राइम नहीं भी हो, अगर उनमें कॉमन फैक्टर 1 है, वो को प्राइम की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर मैं दो, सोच के बोलना, अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब समझ में आता है? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर्स? लगातार आने वाले 10 11 कंसेक्यूटिव, 12 13 कंसेक्यूटिव, 101 कंसेक्यूटिव, 1000 1001 कंसेक्यूटिव। समझ में आया क्या होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स? अब ध्यान से आंसर करना है, जिस जिसका आंसर यस होगा, आप जो क्वेश्चन में पूछने जा रहे हो वो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूं, जिस जिसका आंसर यस होगा वो हाथ खड़ा करेंगे। मैं स्टेटमेंट लिख रही हूं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जो जो कहता है यस हाथ खड़ा कर दो। टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 6F वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, 6D में से भी कर दिया, E वालों ने भी कर दिया, A वालों ने भी कर दिया, C वाले सोच रहे हैं अभी विचार में हैं, D वाले करते हैं फिर नीचे कर लेते हैं फिर ऊपर कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन में हैं अभी तक। जी वाले भी कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि क्या करें, दूसरों को कोई कर रहा है खड़ा तो हम कर दें। जिन जिन ने हाथ खड़ा किया वो सब सही कह रहे हैं। फॉर दो, एग्जाम्पल 3 5 एंड 7 मैंने क्या बोला? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्राइम में जब भी बात कर रहे हो, दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। आई हैव स्पेसिफिकली रिटन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओके? आई हैवन्ट रिटन कंसेक्यूटिव नंबर्स। हाथ नीचे कर लो सारे बच्चों। ठीक है जी, व्हेन आई एम सेइंग टू कंसेक्यूटिव नंबर्स दे विल ऑलवेज बी को प्राइम। 3 4 4 5, 5 6 6 7, जो उनसे मर्जी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स उठा लो, वो हमेशा कैसे होंगे? को प्राइम। चलिए जी, तो ये हमने बात की प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्विन प्राइम नंबर्स की, को प्राइम नंबर्स की। अब हम जल्दी से बात करते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स की। ये सभी को पता है, इसमें कोई ज्यादा झगड़े वाली बात है नहीं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो कैसा? नंबर
और जनाब अब सारे सेक्शंस में से उन बच्चों ने खड़ा होना है, ध्यान से सुन लेना, जिनका रोल नंबर, हाँ बेटा, सिक्स बी में बोर्ड विजिबल नहीं है मैम, अभी विजिबल नहीं है, शुरू से ही विजिबल नहीं था मैम, अब ज्यादा ब्लर आ रहा है, एक सेकंड मैम, मैं अभी देखती हूँ। यादव जी सिक्स बी में बोर्ड विजिबल नहीं है, उन्हीं के एंड की दिक्कत होगी क्योंकि बाकियों को तो दिख रहा है फिर। बाकी सबको विजिबल है मैम, फिर आपको वहीं पे किसी को बुला के दिखाना पड़ेगा क्योंकि बाकियों के लिए अगर विजिबल है इसका मतलब मेरे एंड पे तो करेक्ट करेक्ट ही है, आपके एंड पे कोई दिक्कत हो सकती है मैम, आप एक बार प्लीज अगर जो भी कोई यहाँ पे है आसपास जो चेक कर सकते हैं एक बार आप बुला के एक बार दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, आवाज तो सुन रही है ना, बस उतना ही काफी है, उतने से काम चल जाएगा, अभी जब तक नहीं कुछ हो रहा तब तक आवाज बात सुनो और समझो। हाँ जी मैं क्या कह रही थी, सभी क्लासेस में से उन बच्चों ने खड़े होना है जिनके रोल नंबर इवन प्राइम है, वो सारे बच्चे खड़े होंगे जिनके रोल नंबर इवन प्राइम नंबर है। बोर्ड नहीं दिख रहा, वैसे बोर्ड क्लियर नहीं है, राइट में या लेफ्ट में कहीं का उनका ना प्रॉब्लम थी किसी क्लास की। हाँ ये वैसे भी इनका हमारे पास भी ब्लर ही आ रहे हैं ना। अगर आप लेफ्ट में लिखते हो या राइट में बिल्कुल एक्सट्रीम इस एरिया में तो उसे बीच में कई बार नहीं दिखता, उनके दिक्कत हो सकती है। ओके ये सिक्स बी में मुझे एक बात बता दीजिए मैम, जो बीच में लिखा है वो विजिबल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो विजिबल है ब्लर आ रहा है, किसी तरफ भी विजिबल नहीं है कोई भी एरिया में। ओके अभी दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ओके लेफ्ट पे ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं लेफ्ट पे ही ज्यादा लिखूं। चलिए हाँ जी बच्चों, अरे बैठ भी गए, बहुत सारे खड़े हुए थे फिर बैठ गए, मैंने कहा था इवन प्राइम वाले खड़े हो जाओ, इवन प्राइम वाले, पहले तो सिक्स ही में से बहुत सारे खड़े हो गए थे अब एक ही खड़ा हुआ, ये क्या बात हुई, तुम विचार बदलते बड़ी जल्दी रहते हो। सिक्स ए से एक बच्चा खड़ा हुआ है, सिक्स एफ से भी हो गया है, सिक्स सी से भी हो गया है, डी से भी हो गया है और जी से भी हो गया है, और बी में भी, बी बी में खड़ा है कोई, हाँ खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है, कौन से रोल नंबर वाले बच्चे खड़े हैं जी, है, सो द ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू, बैठ जाओ ऑल ऑफ यू प्लीज सिट डाउन, ये वो उनका एंड भी ब्लर आ रहा है, उनके मुझे लग रहा है उनके कैमरे पे तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो इवन प्राइम अ नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम इज ओनली वन नंबर दैट इज टू, तो वन कैसा था विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और टू कैसा है विच इज इवन एंड प्राइम, बाकी सबको आप प्राइम में कंपोजिट में इवन में ऑड में ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है उनके साथ। चलिए जी अब फटाफट से एक चीज और जल्दी से हम देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स, फिर हम फटाफट अपना मॉड्यूल करेंगे। पहले ये मुझे बता दो कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी डिविजिबिलिटी के रूल में दिक्कत है, कोई ऐसा नंबर है या सबको सारे आते ही हैं डिविजिबिलिटी रूल, आसान आसान होते हैं मुश्किल सारे आते हैं, मैं
मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर दे करवा देती हूँ, ठीक है। दो से डिविजिबल का मतलब एंड में डिजिट्स इवन, जीरो टू फोर सिक्स एंड एट, दिस इज फॉर टू से डिविजिबिलिटी। तीन के लिए सम, सम ऑफ नंबर्स, बच्चों सम ऑफ नंबर्स नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय, शुड बी डिविजिबल बाय थ्री। चार से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय फोर। पांच के लिए मैम लास्ट डिजिट आर डिविजिबल जीरो और फाइव, जीरो और फाइव। छह से डिविजिबिलिटी के लिए नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। सिक्स के लिए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय टू एंड थ्री, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब लास्ट में इवन नंबर भी आए और सम ऑफ डिविजिबल बाय थ्री भी हो जाए, तब वो छह से डिविजिबल होगा। अभी सात को दो मिनट के लिए छोड़ रही हूँ मैं, सेवन का डिविजिबिलिटी। एट के लिए लास्ट के तीन डिजिट से जो नंबर होता है वो आठ से डिविजिबल। नौ के लिए सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल। नाइन, दस से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट जीरो। अब दो नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं, एक डिविजिबिलिटी बाय सेवन। थोड़ा सा मुश्किल रूल है इसका, देखते जाना क्या कर रहे हैं हम। सपोज एक नंबर लिया मैंने 343, मुझे बताना ये सेवन से डिविजिबल है या नहीं। ध्यान से सुनना क्या कर, ये जो लास्ट डिजिट है क्या है भला, लास्ट डिजिट थ्री, इसका डबल है, कितना हो जाएगा डबल करके सिक्स को ये जो बचा हुआ नंबर है इसको छोड़ देना। अब ये डिजिट ली थी इसका डबल कर दिया, इसको भूल जाओ कि अब ये है, इसको भूल गए, बाकी बचे नंबर में से ये जो डबल वाला था वो माइनस कर दिया, क्या आया 28। सेवन से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी सेवन से डिविजिबल है। दोबारा सुनो क्या किया हमने, सेवन से डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट डिजिट है आपकी उसका डबल करो, और वो डबल करके जो नंबर आया बाकी बचे हुए नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी। तो जो अभी आंसर बच रहा है अगर वो सेवन से डिविजिबल है तो पूरा नंबर सेवन से डिविजिबल। और ये तो हमने तीन डिजिट नंबर की बात की, ये जितने मर्जी डिजिट का नंबर हो उस पर काम कर सकते हो। लेटर से कैसे करना एक बार देख लेते हैं। लेटर से नंबर इज 11546, ठीक है जी। नंबर है मेरा 11546, लास्ट डिजिट क्या है डबल वन फाइव फोर सिक्स। लास्ट जो मेरा नंबर छ, छ का डबल किया कितना, बाकी बचे नंबर में 11 12 माइनस कर दिए, डबल वन फोर टू। अभी भी बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, तो एक बार फिर से वही काम कर देते हैं। लास्ट डिजिट टू, टू का डबल फोर, तो अब 114 में से चार माइनस कर दिया, क्या आ गया 110। अब इसमें लास्ट डिजिट जीरो, जीरो का डबल करो चाहे जो मर्जी करो, जीरो ही रहता बेचारा, माइनस करेंगे आया 11। क्या 11 सात से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये से डिवाइड होगा। No. ये बात मेरी समझ में आई है सभी को, ठीक है जी। तो ये है, ये सिक्स में से बच्चे घूमते क्यों जा रहे हैं इधर उधर, क्या हुआ, कभी कोई उठ के चल पड़ता है कभी कोई उठ के चल पड़ता है, क्या बात। हाँ आराम से बैठो बेटा, बच्चों टिक के जरा,
हाँ जी, तो सेवन से डिविजिबिलिटी का रूल हमने देख लिया, जो लास्ट डिजिट उसका डबल करो, बाकी बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर भी अगर 3, 4, 5 डिजिट का नंबर है, सेम प्रोसेस रिपीट करते जाओ जब तक 2 डिजिट नंबर पर नहीं पहुंच जाते। अगर वो 2 डिजिट का नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरे का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल, वरना नहीं। अब हम बात कर लेते हैं 11 से डिविजिबिलिटी की, बस ये लास्ट रूल करेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी, एनी बडी उस जिसको कुछ कभी इधर उधर किसी ने पढ़ा हो सुना हो, 11 से डिविजिबिलिटी। मैम, एट द डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस, एट द डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस, फाइंड द डिफरेंस बिल्कुल ठीक है, मालूम है आप लोगों को। कोई भी नंबर हम ले लें उसमें इवन पोजीशंस पर, मतलब पहली तीसरी पांचवी सातवीं पोजीशन पे जो नंबर पड़े हैं, और इवन का मतलब दूसरी चौथी छठी पे जो पड़े हैं उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल तो नंबर 11 से डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। चलिए जी, फिर आप निकाल लो मॉड्यूल फटाफट से, जल्दी जल्दी खोल लो फटाफट फटाफट फटाफट। ट्रू और फॉल्स सबने बोलना है, सबने। कोई भी ऐसा बच्चा मुझे ध्यान नजर नहीं आना चाहिए जिसका ध्यान अपने मॉड्यूल पे ना हो और जो आंसर ना कर रहा हो। एवरीबडी शुड लुक इन टू योर मॉड्यूल्स, फर्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। दिस सम ऑफ फॉल्स, सम ऑफ फॉल्स कैन नॉट बी टाइम। फॉल्स, दो प्राइम, कोई बताओगे, कोई एग्जाम्पल दोगे कि दो प्राइम को ऐड करके आंसर प्राइम नहीं बने? 2 प्लस 2, दैट इज बिकमिंग नॉन प्राइम नंबर, 4। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी अ प्राइम। फॉल्स, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम नहीं हो सकता। अच्छा, दो प्राइम नंबर्स को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो ये जो नंबर बनेगा क्या ये प्राइम होगा? मैम यस, क्या बात कर? सिंपल सी बात है, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन से नंबर बना, मतलब ये दो फैक्टर तो इसके हो ही गए। और इसके अलावा एक और 15, तो मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो भी फैक्टर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ध्यान से सुन लो, पहले ध्यान से समझ लो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन नॉट बी प्राइम, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वो क्या कह रहे हैं, अगर दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपका प्राइम नहीं आ सकता। गलत कह रहा है वो? है बच्चों, जहां पर भी ये कैन नॉट आ जाता है ना, तो बड़े ध्यान से बुद्धि को जरा फोकस करके आंसर क्या करो, ऐसे नहीं हवा में आंसर करना। दोबारा समझो वो क्या कह रहा है, जब भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो कहना चाहता है कि जो आंसर होगा वो प्राइम नहीं होगा, दैट कैन नॉट बी अ प्राइम। तो वो सही बात कर रहा है कि गलत बात कर रहा है? तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। एक सिंपल सी बात, किन्हीं भी प्राइम नंबर्स को, किन्हीं भी दो प्राइम नंबर को तो जो भी आंसर बनेगा उसके दो फैक्टर तो यही हैं, इसके अलावा एक और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होने ही होने हैं, तो वो प्राइम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। तो मतलब स्टेटमेंट क्या है ये? कोई डाउट है तो पूछो पहले। अगला हम पहले कर चुके हैं, अ नंबर एंड इट्स सक्सेसर आर ऑलवेज को प्राइम। सक्सेसर कैसे बनता है? सक्सेसर किसे मिलता है, किसी भी नंबर का? पांच है तो इसका सक्सेसर 6। कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, और थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज, ओ प्राइम।
कैसा, ये कैसे स्टेटमेंट हुई फिर? ये स्टेटमेंट हुई आपकी ट्रू। ए स्टेटमेंट थी फॉल्स, बी ट्रू, और सी भी कैसी है? ट्रू। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स अब मैं बुला के पूछूंगी, जिस जिसको बुलाऊंगी फटाफट आते जाना माइक के पास, देर नहीं लगानी है, ठीक है? पहला आंसर लेना मैंने सिक्स्थ बी से, दीक्षा, दीक्षा फ्रॉम सिक्स। आ जाओ बेटा फटाफट, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, द नंबर विच आर नंबर टू आर कॉल्ड। आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो, माइक ऑफ है बच्चे आपका। हाँ आप बोलो। ऑड ना, आप चल रहा है, आप चल रहा, बोलो। ऑड नंबर्स, बिल्कुल ठीक है, गॉट यू सीट। द नंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, और जो दो के मल्टीपल होते हैं वो नंबर्स। नंबर्स। अब मेरे को आंसर करना है सिक्स्थ सी से एकलव्य, एकलव्य फ्रॉम सिक्स्थ सी। फटाफट आते बेटा, दौड़ के दौड़ के, बस। द नंबर्स विच हैव ओनली फोर डिजिट्स, व्हाट आर दे कॉल्ड? अभी थोड़ी देर पहले अभी करके हटे हैं, के दो ही फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और दो से ज्यादा हो। नंबर, हाँ, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, कॉल्ड कंपोजिट कॉम्पोजिट नंबर्स। चलिए सीट पे चलिए, पे। वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम, दो से ज्यादा हो जाएं तो कंपोजिट। अगला आंसर चाहिए मुझे सिक्स डी से, रिकी, रिकी फ्रॉम सिक्स डी। फटाफट दौड़ के माइक के पास। इव एवरी नंबर इज अ डैश एंड अ डैश ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर, फैक्टर, डैश एंड, डैश एक तो एक फैक्टर, तो दूसरे फैक्टर, डैश में क्या डाल? दूसरे मल्टीपल्स, मल्टीपल। गो टू योर सीट। मल्टीपल, एवरी नंबर इज फैक्टर एज वेल एज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सिक्स ई से कबीर, जल्दी से आंसर कर दे बेटा क्वेश्चन का, फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ टू, ट्विन ट्विन प्राइम, प्राइम, वेरी गुड। दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, अब यहां पर ध्यान रखना कंसेक्यूटिव प्राइम की बात करे जा रहा है, 11 और 13 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 11 के बाद अगला जो प्राइम आता है वो 13 ही आता है, और उनका डिफरेंस दो, तो आंसर हो गया ट्विन प्राइम, बिल्कुल ठीक है बच्चा। चलो सीट पर। सिक्स एफ से जस्मीन, जस्मीन फ्रॉम सिक्स एफ। हाँ जी, एडिशन ऑफ टू वाज ऑलवेज रिजल्ट इन इवन इवन, दो इवन इवन से हमेशा आंसर इवन मिलेगा, 2 प्लस 4, 4 प्लस 6, 6 प्लस 10, हमेशा आंसर इवन। बैठ जाओ बेटा। सिक्स जी से आंसर करना है जतिन ने, आ जाओ बच्चे जतिन। एडिशन ऑफ वन इवन एंड वन ऑड नंबर रिजल्ट्स इन सिक्स जी। आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑफ है क्या बेटा? आई कांट, नंबर, ऑड नंबर, एक इवन नंबर एक ऑड नंबर को जब भी आप ऐड करेंगे तो आंसर आपको ऑड नंबर मिलने वाला है। सिक्स ए से अनमोल, अनमोल फ्रॉम सिक्स ए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन इवन एंड वन ऑड नंबर रिजल्ट, इवन
इवन नंबर, एक इवन एक और नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इवन आता है। अब पहले हम केस स्टडी करेंगे फिर एमसीक्यूज पर चलेंगे। जल्दी से जरा केस स्टडी पढ़ना, क्या समझ में आ रहा है पहले मुझे समझाना है आपने कि समझ क्या आया आपको। केस स्टडी पढ़ो जल्दी से। कंसिडर ऑल थ्री डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 4 and 5 एग्जैक्टली वंस। तीन डिजिट यूज करने हैं, 3, 4 और 5, और उनसे जितने नंबर बन सकते हैं वो सारे बनाने हैं। बना लो जरा देखूं क्या क्या बनाते हो। जल्दी जल्दी बना लो फटाफट। मैम 6। 6 नंबर सबके बन गए फटाफट, 1 मिनट और दे रही हूँ जल्दी से। जिस 6 नंबर बनेंगे कौन से लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली। मैम 6 नंबर्स। बिल्कुल ठीक है जी, 6 नंबर्स बन रहे हैं। तीन डिजिट यूज करके एक ही बार एक डिजिट को यूज करना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 6 नंबर बनेंगे। पहला बना दिया 344, 435, 453, 534, 543। एक सीक्वेंस में चलोगे तो मिस नहीं करोगे। मैंने क्या किया, पहली डिजिट फिक्स कर दी 3, बाकी 2 बच गई 4 और 5। एक बार 4 5, एक बार इनको पलट दिया। फिर पहली डिजिट फिक्स की 4, 3 और 5 बचा, 3 5 पलट के, फिर 5, फिर 3 4, फिर 4 3। लो जी फिर क्वेश्चन फटाफट। हाउ मेनी टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 3? ऑल 6 आर डिविजिबल, क्योंकि जब आप इन डिजिट्स को ऐड कर रहे हो तो आपके पास सम बन रहा है 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। जब डिजिट से यही यूज करी तो सभी की डिजिट्स का सम 12 बनना है, तो सारे के सारे ही 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए जी, हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2? 6 किसने कहा पहले तो वो बताए। 6th ए में से, हाँ बेटा सारे के सारे नंबर आप कह रहे हो 2 से डिविजिबल है ये। सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे, वो कौन से 354 and 534। आगे चलते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5? अगला है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 7? कोई भी नंबर नहीं है जो 7 से डिविजिबल हो जाए। पक्का सारों ने चेक कर लिया? अभी अभी रूल भी पढ़ा था, वो भी लगा सकते हो। सबको डिवाइड करके देख रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे बताया कि नहीं है कोई भी डिविजिबल? आंसर तो सही बता रहे हो, अब चेक कैसे किया है वो भी बता दो जरा। रूल लगाया या डिवाइड कर करके देख रहे हो, क्या कर रहे हो? रूल से, रूल से, रूल से थोड़ा यहाँ से किया 10, 10 इसमें से माइनस कर दोगे 24 गया, 8, 27 गया, 10, 23 नहीं हो सकता, 6, 39 नहीं है, 8, हाँ जी 45 नहीं है, 6, 48 नहीं है। सो नन ऑफ द नंबर्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड आर डिविजिबल 7। सो आंसर फॉर दिस इज डी। तो केस स्टडी के जो 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर सी है, दूसरे का डी है, तीसरे का बी है, फोर्थ का ए है, डी है। चलो जी अब हम करेंगे असर्शन रीजन। पहले असर्शन रीजन में क्या दिया है हमें, असर्शन रीजन में दिया है द स्मॉलेस्ट डिजिट बाय विच एक्स शुड बी रिप्लेस्ड इन द नंबर, नंबर दिया है 2, 3, 4, 6, x, 1। इस एक्स की जगह वो कह रहा है जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट है वो 2 डाल दूं तो नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा।
देखो जरा, क्या ये ठीक बात कह रहा है कि गलत बात कह रहा है? ट्रू कहें इसको या फॉल्स कहें? फॉल्स कहें। फॉल्स। ट्रू कोई फॉल्स कोई ट्रू। ट्रू है। पहले 9 से डिविजिबल डिजिट सोच लो क्या होता है। क्या होता है? सारे डिजिट्स को ऐड करें तो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? बोल दो किससे डिवाइड होना चाहिए? नाइन से बाकी सारे डिजिट ऐड कर लेते हैं, इसको देख लेंगे फिर। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, नाइन 1 टेन 16। अब क्या स्मॉलेस्ट नंबर इस 16 में डाल दूं ताकि 9 से डिवाइड हो जाए? टू हो जाएगा टू। टू डालूं तो जो कि 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब एक्स की जगह 2 डाल दूं तो बात बन जाती है मेरी। क्वेश्चन कैसा हुआ? ट्रू हो गया? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। रीजन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 5। फॉल्स। नाइन से डिविजिबिलिटी का रूल तो है, तो ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, और लास्ट में 5 आए तो नंबर किससे डिविजिबल होता है? फाइव। तो अब आंसर बता दो, क्या बनाओगे? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आंसर सी। नेक्स्ट है नेक्स्ट फोर है टू फोर थ्री नाइन एट नाइन इज डिविजिबल बाय 8। मुझे आंसर करना है 6A से गुरनूर ने। गुरनूर फ्रॉम 6A। बोल बच्चे, क्या 4 2 3 9 8 4 8 से डिवाइड होगा? फॉल्स। फॉल्स। ओके, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? 9। लास्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। लो जी, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो हो गया 8 से डिवाइड, हो गया क्या? नहीं गुरनूर, इसका मतलब क्या है? ये असर्शन इज ट्रू। चलिए सीट पे चलिए बेटा। रीजन दिया, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ये तो बात ठीक है, इसी से ही हमने चेक मारा है अभी। और आंसर बताओ, जब दोनों ट्रू हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर, ए ऑप्शन। चलिए ऑप्शन जी, नेक्स्ट है 3 एंड 5 इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। बिल्कुल ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2, वो होते हैं ट्विन प्राइम। सो दिस इज ट्रू। इफ 2 नंबर्स हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर देन दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। फॉल्स। हाय रब्बा, कैसे बोल? गड़बड़ मत करो बच्चों। को प्राइम की कंडीशन क्या थी? को प्राइम की बेचारे की एक ही कंडीशन है, तुम वही भूल जाते हो बार बार। दिस इज ट्रू। को प्राइम का मतलब एक ही कॉमन फैक्टर, कौन सा? यही तो कह रहा है, इफ टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर देन द नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अभी आंसर बता दो, ए बना, ऑप्शन। क्योंकि एक में वो ट्विन प्राइम की बात कर रहा है, एक में वो को प्राइम की बात कर रहा है, दोनों बातें ठीक कर रहा है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा इस केस में? बी होगा। फटाफट से 1 2 मिनट, 1 मिनट है, जल्दी से। पहले 2 MCQ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। द नंबर्स विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सबने बोलना है जोर से, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगला क्वेश्चन सोच समझ के आंसर करना। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ डिपेंड करता है, पूछा जाता कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी, तो आंसर क्या होता? अब उसने पूछ लिया,
हाउ मेनी में एक, ठीक है जी। बाकी के जो इसके बचे हुए हैं तीन चार एमसीक्यूज हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है जी। आज जो जो कुछ किया जो कुछ किया फिर से रिवाइज हो गया, सब कुछ दिमाग में फिट हो गया कि नहीं? हो प्राइम और ट्विन प्राइम पूछूंगी मैं उसके बाद, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन है अभी आप लोगों की थोड़ी सी। चलो ठीक है बच्चों, ओके जी, थैंक यू, थैंक यू।